नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिष्टपुर पुलिस ने लोडेड पिस्तौल के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, चार अन्य फरार। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में दो की हुई मौत। शहर में अपराधी हुए बेलगाम, पुलिस मौन। जुगसलाई में अपराधियों ने 9,83,000 रुपए की लूट कांड का दिया दुस्साहस अंजाम। आदित्यपुर स्थित आनंदपुर गांव में बिजली की चपेट में आकर 27 वर्षीय युवक की हुई मौत। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 65वां महानिर्माण दिवस के अवसर पर शहर में किए गए कई कार्यक्रम आयोजित। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत FCI मोड़ पर ट्रक की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध की घटनास्थल पर मौत हो गई, जहां जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत किया। मिली जानकारी के अनुसार बर्मा माइंस थाना अंतर्गत प्रेम नगर निवासी 60 वर्षीय वृद्ध शिबू साहू अपने घर से बर्मा माइंस मार्केट की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक SBI मोड़ पर FCI गोडाउन से आ रहे ट्रक ने वृद्ध व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जहां घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने ट्रक को धर दबोचा और चालक को पकड़ लिया। वहीं जानकारी मिलते ही बर्मा माइंस पुलिस भी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों को उचित कार्रवाई और मुआवजा दिलाने की बात कहकर मामले को शांत कराया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी देते हुए बर्मा माइंस थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में वृद्ध की मौत हुई है, जिसमें ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 65 वर्ष का एक वृद्ध थे, वो प्रेम नगर का रहने वाले हैं। वो आ रहे थे शायद बर्मा माइंस तरफ, तो चुना भट्टा पुलिया के पास में एक FCI की गाड़ी जा रही थी गोडाउन में, इसी से उनका दुर्घटना हो गया है और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। और एक बार फिर जमशेदपुर में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए 9,83,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। ताजा मामला जुगसलाई थाना अंतर्गत ब्रांच राम टेकरी रोड का है, जहां चैंबर ऑफ कॉमर्स के उद्योग सचिव सावरलाल शर्मा के गद्दी में दो की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर उनके कर्मचारी को मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। सावरलाल शर्मा पेशे से स्क्रैप का काम करते हैं। जुगसलाई थाना अंतर्गत ब्रांच राम टेकरी रोड स्थित उनके गद्दी में उनके कर्मचारी बजरंगलाल शर्मा प्रतिदिन की तरह शाम के वक्त आए और लेखा जोखा का कार्य करने लगे, तभी दो की संख्या में अपराधी उनके गद्दी में घुसकर बजरंगलाल शर्मा से पहले मारपीट की और उन्हें कमरे में बंद कर दिया, जहां हथियार निकालकर दोबारा उनके साथ मारपीट कर अलमारी में रखे 9,83,000 लूट की घटना को अंजाम देकर उनका मोबाइल लेकर बड़ी आसानी से उन्हें कमरे में बंद कर चलते बने। घायल अवस्था में कर्मचारी बजरंगलाल शर्मा ने हो हल्ला किया, तब जाकर स्थानीय लोगों ने दरवाजा खोलकर उन्हें कमरे से बाहर निकाला और घटना की जानकारी सभी को दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही चैंबर के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी जानकारी जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी को दी, जहां जिले के SSP और CTSP दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान इन्होंने गद्दी के आसपास लगे CCTV फुटेज को भी खंगाला और कर्मचारी के साथ हुए घटना को पूरी तरह से जाना। वहीं जानकारी देते हुए SSP डॉक्टर M तमिलवानन ने कहा कि संकरी गली में चार पहिया वाहन का इस्तेमाल अपराधी नहीं कर सकते हैं, दो पहिया वाहन से ही अपराधी आकर इस घटना को अंजाम देने का उन्होंने अनुमान लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में CCTV फुटेज टेक्निकल सेल की मदद से ली जा रही है।
एक कबाड़ी व्यापारी है, उनके एक ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है। उसमें शाम में करीब 6 बजे के आसपास में जब उनके मुंशी अपना काम करके अकाउंट क्लोज कर रहे थे, उस समय 2 व्यक्ति जो है अंदर घुस के उनको मारपीट करते हुए पिस्टल दिखाते हुए पैसा लूटने की बात बता रहे हैं, करीब 9 लाख के आसपास बता रहे हैं। तो उसमें हम लोग देखने के लिए आए हैं और इस गली में फोर व्हीलर आ नहीं सकता है, फोर व्हीलर भी आए होंगे और बाकी हम लोग इसमें सभी प्रयास कर रहे हैं कि अगल बगल के CCTV और बाकी हम लोगों का जो है क्या कर रहे हैं और उसमें टेक्निकल सर्विलेंस करके कैसे जल्दी रिपेक्ट कर सकेंगे वो कर रहे हैं। और उनका थोड़ा सा इंजरी हुआ है तो जो मारा गया है, उनको इलाज करा के फिर उनसे हम लोग सर्च जो है कभी कॉन्सर्च करके टीम है, उसमें दो टीम लग रहा है, तुरंत हम लोग उसमें काम करेंगे कि कम से कम पैसा रिकवरी हो जाए और आदमी पकड़ा जाए। इधर RIT थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक टिस्को ठेकाकर्मी की मौत हो गई। बताया जाता है कि ठेकाकर्मी काम कर पैदल घर वापस लौट रहा था। RIT थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और ठेकाकर्मी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। इधर हादसे के संबंध में मृतक के पड़ोसी ने जानकारी दी। एक्सीडेंट हुआ है, क्या नाम था उनका? विकास कुमार। कहाँ का रहने वाले थे? नवादा। और यहाँ जमशेदपुर में? जमशेदपुर मेरुडीह में रहते थे। थाना? RIT। सरायकेला? हाँ सरायकेला। कहाँ ड्यूटी करते थे? टाटा स्टील। अच्छा, क्या चीज़ का? मैकेनिकल फिटर थे। कैसे हुआ इनका घटना? 20 शिफ्ट ड्यूटी करके घर जा रहे थे, रास्ते में कोई गाड़ी वाला उनको मार दिया है। गाड़ी मारा कि कोई मार दिया उसको? कहाँ पर ये घटना हुआ? इसका 157 बटालियन जो है, CRP कैंप जो है, उसका थोड़ा सा आगे। ये कहाँ पड़ता है? आदितपुर में? पटनी के बगल में, आदितपुर में पड़ता है। क्या चीज़ में थे ये? पैदल जा रहे थे। अच्छा, गाड़ी वाली नहीं था? नहीं, पैदल। क्या घर वहीं पर पड़ रहा? हाँ, घर वहाँ पे है जहाँ पे घटना हुआ है। नहीं नहीं, मेरुडीह में घर है, तो ड्यूटी से घर जा रहे थे मेरुडीह अपने पैदल। हाँ, पैदल जा रहे थे, टेम्पू से जाते आते थे, पर दिन प्रत्येक दिन टेम्पू से जाते आते थे, लेकिन कल बारिश के कारण 10 बजे इनको टेम्पू नहीं मिला तो पैदल गए थे। तो पैदल। कौन गाड़ी मारा कुछ पता चला? नहीं, ये तो नहीं पता चला है। कितने बाल बच्चे इनके? इनका 2 बच्चा है और 1 बच्ची है। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय जो भी है, वहाँ कौन मारा है गाड़ी, ये चीज़ का इंक्वायरी हो जाता। वाइफ का क्या नाम है इनका? शोभा देवी। अच्छा, शोभा देवी नाम। सब परिवार के ही लोग? हाँ, परिवार तो नहीं है, रिश्तेदार के सब लोग हैं। बिष्टुपुर आदित्यपुर रोड पर जिसको द्वारा बनाए जा रहे मॉल के बिष्टुपुर पुलिस ने छापेमारी कर एक अपराधी को लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया, जबकि 4 अन्य भागने में सफल हो गए। इधर मामले के संबंध में जानकारी देते हुए PCR DSP अनिमेश गुप्ता ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जिसको का बन रहा मॉल में कुछ अपराधी डकैती या बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के बाद बिष्टुपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापेमारी की गई। एक अपराधी को एक लोडेड पिस्तौल के साथ पकड़ा गया, जबकि अन्य भागने में सफल हो गए, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार अपराधी आदित्यपुर राम मड़ैया का रहने वाला है। जिसको का एक मॉल बन रहा है, जो निर्मित मॉल है वो, तो हम लोग को एक सूचना मिली कि कल वहाँ पर कुछ अपराध कर्मी जो है रात में इकट्ठा हुए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जमशेदपुर में कोई ना कोई बड़ा घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना पर, चूँकि वो बहुत बड़ा इलाका है और चारों तरफ से खुला है, उसको लेकर करके PCR 7 और एक टीम यहाँ से बना करके थाना प्रभारी के नेतृत्व में वहाँ पर छापामारी कराया गया। तो 4-5 आदमी को भागते हुए देखा गया, उसमें 4 आदमी तो उसमें भागने में कामयाब हो गया किसी तरह से, और एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास एक लोडेड पिस्टल जो है वो बरामद हुआ है उससे, जिसका नाम विपुल कर्मकार है। और इससे हम लोग पूछताछ के तो इन लोग 5 व्यक्ति के नाम बताएंगे, 5 लोग ये लोग एकत्र हुआ था, इन लोग को यहाँ पर कोई घटना को अंजाम देना था, उसी के लिए एकत्र ही हुआ था ये लोग, जो सूचना हम लोग को मिला, जिस पर हम लोग छापामारी करके एक व्यक्ति को पकड़े हैं। बाकी 5 लोगों पर हम लोगों ने इस संबंध का प्राथमिकी दर्ज किया है और डकैती की योजना बनाने से संबंधित हम लोगों ने FIR किया है, जो डकैती या बड़ा ग्रेवियस घटना को अंजाम देने के लिए अपराध कर्मी जो एकत्र होते हैं एक जगह,
हरवे हथियार से लैस होकर घटना कहाँ का रहने वाला है, पकड़ाया है इन लोगों ने बताया कि किस घटना की पूछताछ चल रहा है इन लोग से। और ये लोग, इसका नाम विपुल कर्मकार है, पूर्व में भी ये लूट केस में जेल गया है और एक बार बिष्टुपुर से कदमा से भी जेल गया हुआ है। तीन कांड में ये पूर्व से आरोपित है जो संपत्ति मूलक अपराध से संबंधित। कहाँ का है ये रहने वाला? ये मड़िया, राम मड़िया बस्ती आदितपुर का रहने वाला है। अच्छा, और बाकी लोग भी हैं तो उन लोगों का नाम अभी हम लोग नहीं बता रहे हैं, हम लोग शीघ्र ही उन लोगों को गिरफ्तार करके तो उन लोगों को भी। उधर मानगो बस स्टैंड के पास अज्ञात शरारती तत्वों ने किरोसिन तेल डालकर गुमटी में आग लगा दी। दुकानदार मनीष कुमार का कहना है कि वह रविवार को रात में दुकान बंद कर घर चला गया था। रविवार की देर रात में अज्ञात शरारती तत्वों ने किरोसिन तेल छिड़क कर दुकान में आग लगा दी। लगभग 50,000 रुपए मूल्य के सामान जलकर राख हो गए। इस संबंध में सीताराम डेरा थाना में उसके द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इधर हादसे के संबंध में दुकानदार मनीष कुमार ने जानकारी दी। कहाँ रहते हो? कल्याण नगर। कहाँ है दुकान तुम्हारा? बस स्टैंड। कितना साल से लगा रहे हो? डेढ़ साल से। क्या हुआ पूरा बताओ। कल रात को 10:45 में दुकान बंद किए और 11:09 हमारे पास फोन आया कि दुकान जल गई थी। मैं आके जब देखा यहाँ पर तो यहाँ एक मिट्टी तेल का बोतल था और पूरा दुकान पर जल रहा था, तो फिर हम लोग पानी से बुझाने का कोशिश किए तो बुझ गए आग। और सुबह में फिर सब सामान सब निकाले, 50-60 हज़ार जैसा नुकसान हुआ है। क्या लग रहा है आपको? वो मिट्टी तेल डाल के आग जलाया है, मिट्टी तेल डाल करके कोई आग लगा दिया है। कोई लगा दिया? हाँ। थाना को सूचना दिए हैं? हाँ, थाना गए तो थाना में FIR लिखाए हैं तो ये बोलते ये नहीं होगा, सामने देखो सही से लिख करके लाओ। थाना को सूचना दिए हो? हाँ, थाना में गए तो बताओ। कौन थाना? सिकंदर थाना। कितना का नुकसान हो गया आपका? 50-60 हज़ार का। सरायकेला खरसवा जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत आनंदपुर गांव में बीती रात विद्युत तार की चपेट में आकर 27 वर्षीय युवक भीम सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अविवाहित था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीती रात युवक घर से बाहर टहल रहा था, इसी दौरान 220 वोल्टेज के सप्लाई अर्थिंग तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों को इसकी जानकारी सुबह लगी। घटना के बाद परिजन शव के साथ मुआवजे की मांग को लेकर आदित्यपुर थाना पहुंचे, जहां कागजी प्रक्रिया के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेजने की तैयारी चल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लगभग 150 घर हैं, मगर बिजली के पोल और तार जर्जर अवस्था में हैं। हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। फिलहाल घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं आदित्यपुर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कब की घटना है ये? रात। अभी यहाँ थाना में क्यों आए? यहाँ केस करेंगे, मुआवजा। आप कौन है उनका? वो मेरे चाचा हैं। उनका शादी उदी नहीं हुआ था? नहीं, शादी उदी। घटना की सूचना मिलने पर मंत्री चंपाई सोरेन मृतक के आवास पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दिया एवं हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। मतलब कल सुबह ही इसको जो एल्टी केबल है उसको एल्टी केबल से करेंगे, पूरे तार को बदलेंगे और जो भी विभाग की तरफ से जो मुआवजा और जो भी मांग गांव वाले की तरफ से की गई है उसकी सूचना उच्च पदाधिकारियों को दे देंगे। और अब तक क्या दिया गया है? अभी तक फिलहाल कुछ राशि मतलब उनको संतुष्टि के लिए मतलब विभाग की तरफ से उपलब्ध कराया गया है और बाकी जो भी मुआवजा है वो सरकारी प्रक्रिया के तहत उपलब्ध करा दिया जाएगा जल्द से जल्द। ये अधिकांश इलाका जो है जंगल इलाका है, उस बीच में वायर जो है गुजरा है, लेकिन सही ढंग से विभाग जो है उस वायर को नहीं लगाया है, जिस कारण ये घटनाएं घट रही है। हाँ ठीक है, उसका आप सारा चीज़ समस्या होगा, आप घटना हो गया, हम ये सुन के हम भी आ गया। आने के बाद यह गांव के तरफ से भी हमको बताया गया कि ये पुराना हो चुका है, हम लोग वायर को चेंज करने के लिए हमें बोला। आपके इस तरफ पर कुछ सहयोग किया जा रहा है क्या पीड़ित परिवार को? नहीं, देखिए हम तो आए हैं, उसके बाद जो नियमता जो है वो तो होगा ही, इसमें ये देखा जाएगा कि सही शिकायत होने के बाद गंभीरता तो विभाग क्यों नहीं लिया, इस विषय पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। वहीं सरायकेला जिला के गम्हरिया पुलिस ने रविवार रात को क्षेत्र में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया।
इसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 दर्जन ब्राउन शुगर खरीद बिक्री करने वाले को गिरफ्तार किया। इनमें से कुछ ब्राउन शुगर पी रहे थे। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सभी ब्राउन शुगर का नशा करते हैं और थाना क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से खरीदारी करते हैं। वैसे मुख्य सरगना रामचंद्रपुर निवासी कुंदल मंडल भागने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय बाद गमरिया थाना पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार युवकों में कार्तिक साहू, गणेश शंकर सिंह, शंकर रविदास, अमित कुमार पांडे, रितेश स्वर्णकार, रोशन शर्मा, मोहम्मद सुल्तान, मंटू दास, सौदागर रजक, दीपक भगत, शुभम मिश्रा, राजन कुमार रजक, गणेश मुर्मू, धीरज यादव, धर्मदेव शर्मा, विवेक गोस्वामी, शक्ति महतो, सोनू पात्रो, बिट्टू कालिंदी, राजू पात्रो, मोतीलाल अंसारी और रोहित कुमार नंदी शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी छोटा गमरिया, बोलियाडीह, कांड्रा, मानगो डिमना रोड, आदित्यपुर आदि क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 8 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। फिलहाल सभी से गमरिया थाने में पूछताछ चल रही है। मामला है कि यहाँ पर गमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामचंद्रपुर में कुछ यहाँ पर ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने चौथा थाना प्रभारी के आदेशानुसार हमें टीम गठित कर वहाँ छापेमारी उपरांत यहाँ पर जितना भी ब्राउन शुगर है सभी लोगों को पकड़ के थाना ला करीब 20 लोग पकड़ा के थाना लाए। इस संबंध में अभी आप कौन है? और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के 65वां महानिर्माण दिवस पर शहर में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 65वां महानिर्माण दिवस के अवसर पर साक्षी स्थित पुराना कोर्ट के समीप भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर विधायक मंगल कालिंदी ने माल्यार्पण किया। भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे देश के संविधान के रचयिता, संविधान के महानायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 65वां पुण्यतिथि है, हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। और निश्चित रूप से आज मैं एक मजदूर और गरीब का बेटा हूँ, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बनाए, उन संविधान के बदौलत मैं कलाई विधानसभा क्षेत्र का सेवक के रूप में लोगों का सेवा कर रहा हूँ। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में रवि समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर सहयू रविदास का अध्यक्ष हूँ और हम लोग ये बाबा साहब का जो पुण्यतिथि आ जाए उसके अवसर पर हम लोग विगत 18 साल से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम करते हैं और इसी के कड़ी के रूप में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम मेरा होता है जो साल में। वहीं बर्मा माइंस स्थित केबुल बस्ती में मुखी समाज की ओर से कल्लू मुखी के नेतृत्व में भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा की स्थापना की गई। मेरा नाम सुमंत मुखी हुआ और इस जगह का नाम बर्मा माइंस कल्लू बस्ती है। आज बाबा साहब के 65वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जागो संगठन और मुखी समाज बर्मा माइंस के द्वारा दोनों के संयुक्त तत्वाधान में बाबा साहब की मूर्ति का स्थापना सह अनावरण कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है यहाँ स्थापना करने का? इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है, इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने महापुरुष को आज के दिन इस बस्ती में स्थापित करके, इससे पहले हम लोग धरती में स्थापित कर चुके हैं, इसके इस मूर्ति को स्थापित करने का पीछे जो मेन मूल उद्देश्य है वो यही है कि हमारे लोग बाबा साहब के संघर्ष और जीवनी को जाने और बाबा साहब ने जिन मूल निवासी कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ के मूल निवासी लोगों को उत्थान के लिए, उनके अच्छे जीवन यापन के लिए जो वो भी संघर्ष किए थे उनको हमारे लोग भी समझे जाने, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ स्थापित कर रहे हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में।
महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज। चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295158। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को, जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत वेरी नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। चौबीस घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है, आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 एंड 8084704699। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं।
जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक डॉक्टर इकबाल दुरानी आज पोटका के तेतला पंचायत पहुंचे, जहां उन्हें भव्य स्वागत किया गया और युवाओं ने सीधा संवाद भी किया। फिल्म निर्देशक डॉक्टर इकबाल दुरानी ने पत्रकारों को कहा कि झारखंड काफी खूबसूरत राज्य है, यहाँ काफी सुंदर सुंदर फिल्म शूटिंग करने की जगह है। हम चाहते हैं कि हमारे फिल्म में झारखंड कलाकार काम करें और फिल्मी जगत में अपना पहचान बनाएं, आदि मुख्य बातें उन्होंने कही। यह जाना पड़ता है, यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल है कि यहाँ से सीखने की पद्धति नहीं है और मुंबई जाना तो मुश्किल नहीं है, इसलिए लोग यहीं पर यहीं रह जाते हैं। खैर वो एक मिनट पर फॉर्म या तैयार आप तक सर कब तक शूटिंग करते हैं, कौन सी फिल्म की शूटिंग करेंगे, तो कुछ शूटिंग शुरू होगी आज सर, कौन सी फिल्म सर, किस पर सर आधारित फिल्म होगी? ये प्रॉब्लम ऑफ नक्सल, नक्सल का जो प्रॉब्लम है वो उसकी एक दस्तावेज भी थी। इधर मूलवासी संघ पूर्वी सिंहभूम की ओर से देसी को भारतीय संविधान पर छींटाकशी करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। इधर मूलवासी संघ के अध्यक्ष शंभू मुखी ने बताया कि जुगसलाई निवासी सत्यनारायण सिंह ने फेसबुक पर भारतीय संविधान के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की है और भारतीय संविधान का खिल्ली उड़ाई गई है। उन्होंने कहा कि डीसी को सौंपे गए मांग पत्र में सत्यनारायण सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। आज हम लोग जिले उपायुक्त के कार्यालय में मूलवासी संघ अपने पूर्वी सिंहभूम इकाई की ओर से हम लोग आज माननीय जिला उपायुक्त को हम लोग एक मांग पत्र सौंपने आए हैं और उस मांग पत्र में हमारा जो विषय वस्तु है वह विषय वस्तु हमारा है कि पिछले दिनों 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस मनाया जा रहा था, पूरे देश में मनाया जा रहा था, क्योंकि आप सभी भारत देश के नागरिकों को मालूम है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 ईस्वी को तैयार हुआ था और 1950 को लागू हुआ। तो वैसे संविधान के बारे में भारत में हर दिन और भारतीय संविधान के प्रति कभी तो दिल्ली के पार्लियामेंट के में जलाया जा रहा है तो कभी उसको फाड़ा जा रहा है। तो मेरा कहना है कि भाई हमारे जमशेदपुर से ही कोई वकील हैं जिनका नाम है सत्यनारायण सिंह, उन्होंने एक अपना पोस्ट फेसबुक पे छोड़ा था जिसमें उन्होंने भारतीय संविधान के प्रति अशब्द का प्रयोग किया था। चाहते क्या आप? क्योंकि देखिए वो चाहते हम यही है कि भाई हम उस वकील का जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जाए और उसको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। उन पर जिला उपायुक्त से मिल रहे हैं, जिला उपायुक्त से मांग करेंगे कि क्योंकि ये संविधान का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। मानगढ़ नगर निगम क्षेत्र में लावारिस कुत्तों से आम लोग परेशान हैं। मानगढ़ नगर निगम की ओर से लावारिस कुत्तों का वंध्याकरण कराकर उसी स्थान पर छोड़ने का प्रयास चल रहा है। मानगढ़ नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय समेत पूरे मानगढ़ क्षेत्र में लावारिस कुत्तों का भरमार हो गया है, लोग परेशान हैं। इधर मानगोर नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि उन्हें भी इसी तरह की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कानूनी प्रावधान के तहत कुत्तों को पकड़ा नहीं जा सकता है, लावारिस कुत्तों को बंध्यकरण कराकर उसी स्थान पर छोड़ना है जहां से पकड़ा गया है, सक्षम एजेंसी से बात की जा रही है, उसके बाद बंध्यकरण कर छोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। क्या आगे इस पे कदम उठाना? देखिए इसमें ये काफी शिकायतें आ रही हैं, बहुत जगह इस तरह का देखा जा रहा है। मांगू नगर निगम क्षेत्र में काफी कॉलोनीज में है, मेरे खुद के कॉलोनी में है। तो इस संबंध में क्या है कि अभी कुत्तों को आप कहीं भी पकड़ के ले जाके और कहीं दूसरी जगह छोड़ नहीं सकते हैं, जो एज पर लॉ हम लोग को जो करना है उसमें है कि इन लोगों का बंध्याकरण करा देना है और फिर उसी जगह पर उनको छोड़ देना है, जो जिनको अगर कोई बीमारी वगैरह है तो उसका वैक्सीनेशन वगैरह ये करना है। तो उस संबंध में हम लोग संपर्क में हैं, एक दो जो सक्षम एजेंसी है जो इसको करती हैं उसको हम लोग हायर करके
और ये चीज़ जो है ये हम लोग जल्द इसको करवा दे रहे हैं ताकि जो इस तरह का जो है वो जो एज पर लॉ जो है जो प्रावधान है उस हिसाब से हम लोग उसको कर पाए। जमशेदपुर के परसोडी इलाके में व्याप्त कचरों के अंबार के खिलाफ मकदमपुर रेल फाटक के समीप एक दिवसीय धरना आज सोपाटी नगर कमेटी ने दिया। इसके माध्यम से इन्होंने जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में साफ सफाई करने की मांग उठाई। गौरतलब हो कि परसोडी को स्टेशन मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु केवल यही एकमात्र सड़क है और क्षेत्र के 2 लाख से अधिक आबादी इसी सड़क से आवागमन करते हैं, लेकिन इसी सड़क के दोनों ओर कचरों का अंबार है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। गंदगी का अंबार कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि यहां से पार होना लोगों के लिए दुभर सा हो चुका है। ऐसे में आजसू पार्टी के द्वारा लगातार जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों को लिखित तौर पर इस समस्या के संबंध में ध्यान आकृष्ट करवाया गया, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। आखिरकार आजसू पार्टी अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन की शुरुआत कर चुकी है। इन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी प्रशासन सफाई नहीं करती है तो आगे इनके द्वारा और उग्र आंदोलन समाधान करना होगा। और मैं गठन करके अपने वापस को आराम देता हूँ। आज हम लोग परसुडी के एक बेहद समस्याओं को लेकर परसुडी मकदमपुर रेलवे फाटक के समय एक दिवसीय आपसी पार्टी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक स्वच्छता को लेकर हम लोग को धरना पे बैठना पड़ रहा, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसमें एकदम बदहाल बना के चुकी रुकी है। जिला प्रशासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि परसुडी के मुख्य द्वार मुख्य सड़क जो हमारे प्रसिद्ध मंदिर गोलपहाड़ी मंदिर के सामने से गुजरने वाले क्षेत्र के 2 लाख लगभग आबादी क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ मुख्य सड़क पर ऐसे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे परसुडी वासियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी सूचना हम लोग कितने बार उपायुक्त महोदय के दिए, एसडीओ साहब को दिए, बाजार समिति के सचिव को भी दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। मैं इस प्रेस के माध्यम से प्रशासन को जगाना चाहता हूँ कि यहाँ के जो गंदगी है इसे सफाई करके यहाँ पर एक अच्छी सी व्यवस्था किया जाए कि लोग यहाँ सवेरे टहलने के चले, पेड़ पौधा लगाया जाए जिससे अच्छे वातावरण बने। अगर हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया तो आपसी पार्टी इससे भी बड़ा भयावह आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका जवाब यही जिला प्रशासन खुद होगा। जमशेदपुर प्रखंड के हितको पंचायत में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक मंगल कालंदी, जिला परिषद चेयरमैन बुलुरानी सिंह, बीडीओ प्रवीण कुमार, मुखिया संजय कुमार महतो आदि उपस्थित थे। वहीं इस शिविर कार्यक्रम में काफी संख्या में हितको पंचायत के ग्रामीण पहुंचे हुए थे। वहीं तमाम विभाग के स्टॉल भी लगाया गया था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे हुए थे। वहीं शिविर में कंबल, फूलो झानो योजना, केसीसी ऋण समेत अन्य चीजों का वितरण किया गया। झारखंड के भूमि पुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी को राज का बागडोर संभालने का मौका दिया और शपथ ग्रहण करते ही सर्वप्रथम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को पूरे झारखंड में लागू किया गया था, लेकिन कोरोना कोविड को देखते हुए झारखंड के लोगों को बचाना भी है, ऐसे परिस्थिति में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था, पुनः फिर उसको जो है चालू कर दिया गया है और प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। पोटका प्रखंड के धीरोल पंचायत में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर पोटका बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ इम्तियाज अहमद, मुखिया संतोषी उरावादी उपस्थित थे। वहीं इस शिविर कार्यक्रम में काफी संख्या में धीरोल पंचायत के ग्रामीण पहुंचे हुए थे। वहीं तमाम विभाग के स्टॉल भी लगाया गया था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे हुए थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टपुर पुलिस ने लोडेड पिस्तौल के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, 4 अन्य फरार। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में 2 की हुई मौत। शहर में अपराधी हुए बेलगाम,
पुलिस मौन। जुगसलाई में अपराधियों ने 9,83,000 रुपए की लूटकांड का दिया दुस्साहस अंजाम। आदित्यपुर स्थित आनंदपुर गांव में बिजली की चपेट में आकर 27 वर्षीय युवक की हुई मौत। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 65वां महानिर्माण दिवस के अवसर पर शहर में किए गए कई कार्यक्रम आयोजित। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।